झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पांच सूची में 1932 का खतियान है। हम लोग पहले ही नारा लगा चुका है कि झारखंडी का हो पहचान, 1932 के खतियान में जिनका हो नाम, हम लोग तो नारा लगा चुके हैं। जैसे ही विधानसभा में आदरणीय हेमंत सोरेन जी आए, 1932 का खतियान विशेष सत्र बुला करके राजभवन भेजने का काम किया। यह गलत बात है क्या? आप बताइए राजभवन में क्या कसूर किया 1932 के खतियानी रैयत, जो यहां के आदिवासी और पूर्ववासी हैं, जिनका नाभि मूल इस मिट्टी में गड़ा हुआ है। राजभवन उस बिल को वापस कर दिया। राजभवन कितने इशारे में चलता है पता करना होगा आपको, जानना होगा। आप 27% रिजर्वेशन आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए था, सारे वर्ग का रिजर्वेशन है, आदिवासी भाई बहन के लिए है, हमारे हरिजन भाई बहन के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, सवर्ग जो गरीब है आर्थिक रूप से, जिसको ईडब्ल्यूएस बोलता है, उनके लिए भी 10% है, और पिछड़े वर्ग के लिए भी 27% था। इसको हटा करके कम कर देना और यही हमारे सोरेन का सरकार, इसको पुनः 27% करके राजभवन भेजना और राजभवन फिर से इस बिल को वापस कर देना, ये कौन सी का संकेत है? इन लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है? यार हम लोग तो समझते नहीं है। कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, ये तो समझना चाहिए। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।